हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकियस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी A33 5G में आप डाटा यूजर्स को कैसे शो कर सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉर में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है नेट स्पीड इंडिकेटर, और उसके बाद पहले वाली जो ऐप है आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इस वाली ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, नेट स्पीड इंडिकेटर इंटरनेट स्पीड मीटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सबसे पहले ये जो है इसे आपको ऑन कर लेना है, इनेबल इंडिकेटर को यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। जैसे मैंने पहले से ही इसे ऑन किया हुआ है। और दोस्तों इसको ऑन करने के बाद आपके फ़ोन की नेट स्पीड शो होनी शुरू हो जाएगी, और यहीं से आप डाटा यूजेस भी शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी डेली डाटा यूजेस। आपको जो है इसे यहाँ से ऑन कर देना है तो आपके फ़ोन की डाटा यूजेस शो होनी शुरू हो जाएगी। और आपको एक और ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे डाटा यूजेस यूनिट्स, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे सेकेंड नंबर पर सिलेक्ट कर देना है। तो जो है आपको मैं दिखा देती हूँ कि मेरे फ़ोन की जो है डाटा यूजेस है वो शो हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन की डेली डाटा यूजेस शो होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे आप भी कर सकते हैं।